आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ। हम सभी को मीठा खाने का बहुत शौक है, एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो आपने पूरे मुंबई में कहीं नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी है, पहली बार खाने वाला हूँ मैं ऐसा कुछ। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। हम आए हैं स्नो स्टेशन आइसक्रीम पार्लर में। यहाँ पे कैरी मिनाटी का डुप्लीकेट का फोटो भी है, आप देख सकते हो ये कैरी मिनाटी का डुप्लीकेट वर्जन है। लेट्स गो इनसाइड। हम हैं स्नो स्टेशन आइसक्रीम पार्लर के ओनर के साथ। सर आपका नाम क्या है? मयूर मेहता। मयूर मेहता, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ पे अलाउ किया शूट करने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या स्पेशलिटी है यहाँ की? यहाँ का एक फेमस है स्मोकिंग बिस्किट्स, फिर वॉफल्स है, शेक्स है, ऐसा डेजर्ट्स, अपने पास यूनिक डेजर्ट्स है, जैसा तवा आइसक्रीम है, नाइट्रोजन आइसक्रीम्स है वैसा। तो ये तवा आइसक्रीम तो हमने बहुत जगह पे देखा होगा, काफ़ी बार हम देखते हैं, लेकिन ये जो नाइट्रोजन आइसक्रीम है इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? ये हमारे बेसिकली थाईलैंड का कॉन्सेप्ट है, मैं वहाँ पे सीखा हूँ थाईलैंड में। अच्छा, आप थाईलैंड में, आप थाईलैंड गए हुए थे? ये थाईलैंड का कॉन्सेप्ट है। तो क्या क्या खाने वाले हैं आज हम, आप अगर आप हमें बता सकते? डेजर्ट्स है, अपना स्मोकिंग बिस्किट खिलाता हूँ, फिर चॉकलेट में बेल्जियम डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा बनता है, प्योर चॉकलेट का आइसक्रीम है नाइट्रोजन आइसक्रीम में। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ही सारी चीज़ें आज हम खाने वाले हैं। और आपने अभी सुना सर से कि काफ़ी सारी चीज़ें, बेल्जियम डार्क चॉकलेट एकदम प्योर, एकदम फ्रेश, सब चीज़ें अभी बनाएंगे, एकदम फ्रेश आइसक्रीम बनेगी 20 सेकेंड्स के अंदर। तो क्या होगा ये प्रोसेस, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है इसके पास से, और एक बार में ही पूरा खाना है, राइट? ऐसा लग रहा है मेरा मुंह जम गया है, लेकिन जब वो मेल्ट हो जाता है आपके मुंह के वॉर्म से, तभी वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लास्ट में टेस्ट, लास्ट में उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बाकी वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये पूरा का पूरा बिस्किट मेरे मुंह में एकदम जैसे कि आइस रख गया, और ये थोड़ा थोड़ा, ये नॉर्मली हम जो बिस्किट खाते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा क्रंची था। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ बिकॉज इट वॉज कोल्ड। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट था, जो हम नॉर्मली डार्क फैंटेसी बिस्किट खाते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक एन अपग्रेड टू इट। बहुत ही ज़्यादा क्रंची था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और इसका फ्लेवर एनहेंस होके आ रहा था। तो चलिए हम और खा लेते हैं, और फिर मैं आपको लेके चलूंगा दूसरे डिश की तरफ। ये आइसक्रीम बनी है 20 सेकेंड्स के अंदर, और सर ने हमें बताया था कि इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डाला जाता है। तो आपने देखा होगा कितना सारा धुआं निकला था, बहुत ही अच्छी लग रही है ये देखने में, और ये प्योर डार्क चॉकलेट है, मेरा फर्स्ट टाइम है ये खाने का। तो लेट्स ईट एंड सी कि इसका टेस्ट कैसा है। ये हम लेते हैं पहला स्पून।
इसमें और नॉर्मल आइसक्रीम में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आइसक्रीम है ये आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी लगेगी। हम जो नॉर्मल आइसक्रीम खाते हैं वो फ्रोजन होती है तो उसमें हल्का सा आपको एक आइसी टेक्सचर होगा, लेकिन इसमें वो आइसी टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम क्रीमी है और आप जब इसको खाओगे तो एकदम प्योर क्रीमीनेस आपके मुंह में आएगा। जो प्योर आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो आएगा आपको। ये देखिए चॉको चिप है इसमें और ये रहा एकदम फ्रेश क्रीमी स्पून ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है बिकॉज उसको बनाना पड़ता है, फिर उसको फ्रीज करना पड़ता है, लेकिन ये स्पेशल आइसक्रीम जो है ये 20 सेकंड के अंदर बन जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एफिशिएंट तरीका है आइसक्रीम बनाने का। काफ़ी सालों पहले ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है और आई डोंट थिंक आपने ऐसी आइसक्रीम कहीं पर भी देखी होगी। हमारे हाथ में है रोज पेटल आइसक्रीम और ये बनाई थी यहाँ पर, तवा आइसक्रीम कहते हैं इसे। वैसे ये आइसक्रीम जो बनाने का प्रोसेस है ये इसको एक आर्ट कह सकते हैं, और जो आइसक्रीम हमने आपको पहले दिखाई थी वो तो एक एक्सपेरिमेंट केमिकल एक्सपेरिमेंट जैसा लग रहा था। सर आप साइंटिस्ट, अपने आप को साइंटिस्ट बोल सकते हो बिकॉज वो पूरा जो प्रोसेस था वो पूरा ऐसा लग रहा था कि आपने एक साइंटिस्ट की तरह एक वो डाला और पूरा वो बहुत ही अच्छा था। और ये सच में एक आर्ट है। तो अभी ये रोज़ पेटल आइसक्रीम को हम खाएंगे। इसके अंदर है गुलकंद, ड्राई फ्रूट्स, रोज़ पेटल, असली रोज़ पेटल्स हैं। तो चलिए मैं खा लेता हूँ और ये रहा पहला बाइट। हर एक चीज में से रोज का फ्लेवर आ रहा है। इसमें रोज पेटल्स हैं, इसमें गुलकंद है, इसके ऊपर रोज सिरप है, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपने रोज आइसक्रीम खाई होगी तो ये उस रोज आइसक्रीम के फ्लेवर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये मिलेगा। इतना अच्छा इसका फ्लेवर है। टेस्ट में तो ये बहुत अच्छा है ही, नो डाउट आइसक्रीम्स आर वेरी गुड इन टेस्ट, बट जो फ्लेवर होता है इसका फ्लेवर इतना एनहैंस्ड है आपको पता चलेगा कि आप रोज पेटल्स खा रहे हो। आपके मुंह में रोज पेटल्स आएंगे, आपके मुंह में ड्राई फ्रूट्स आएंगे, आपके मुंह में गुलकंद आएगा। इट्स ऑल अ मिक्सचर ऑफ शुगरी गुड स्वीट डिजर्ट। लेट्स ट्राई अनदर वन। आई कैन हैव दिस ऑल डे। मैं रोज भी इसको खाऊंगा, मैं रोज भी इसको खाऊंगा तो भी मैं बोर नहीं होऊंगा, समझ रहे हो। हमने आइसक्रीम्स खा ली, आपको मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई और अभी हम बाहर आ गए हैं, घर चलने का वक्त आ गया है। मिलता हूं मैं आपको अगली बार इसी जगह। अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे कैरी मिनाटी का डुप्लीकेट का फोटो भी है, आप देख सकते हो ये कैरी मिनाटी का डुप्लीकेट वर्जन है। तो आइए यहाँ पर आपको ये फोटो भी दिख जाएगा कैरी मिनाटी का, और आपको अच्छी अच्छी आइसक्रीम भी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, कुछ सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली बार।